नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बैसाखी का शुभ पर्व है। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। उसके साथ साथ आज के ही दिन हरिद्वार कुंभ का तृतीय शाही स्नान है। तो इस तरह आज का जो दिन है वो और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। तो आज मैं हर की पौड़ी पहुँचा हूँ। आज मैं आपको हर की पौड़ी के दृश्य दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर की पौड़ी जो है पूरी तरह से बिल्कुल तैयार है और थोड़ी देर में निरंजनी अखाड़ा हर की पौड़ी में प्रवेश करेगा और उसके बाद यहां पर शाही स्नान शुरू होगा। तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का जो शाही स्नान है वो और भी ज़्यादा भव्य होगा, क्योंकि बैसाखी के दिन जो शाही स्नान होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसी तरह हरिद्वार कुंभ की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, हरिद्वार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, अब चलते हैं। गंगा सभा के जो अध्यक्ष जी हैं वह एक मैसेज दे रहे हैं, तो उस मैसेज को पूरा जरूर सुने। जो निरंजन अखाड़े नाम से विख्यात है वो हमारे बीच पहुंचने ही वाला है, जिसका उसी पूर्ण दिव्यतार भव्यता के साथ में स्नान प्रारंभ होने के कुछ पल ही हमारे सामने शेष हैं। आप देख रहे हैं सामने के वो पहली पेशवाई पहुंचने ही वाली है। मैं जो पूरी जनता से अपील करूंगा कि इसमें अपने पुण्य में हमें भाग दें। हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड पर जनता का स्नान संपन्न करने के पश्चात पुनः अब 9:30 बजे से जो पूरे आरती के समय तक तेरा के तेरा अखाड़े स्नान करेंगे, उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। उसके पश्चात पुनः समस्त पब्लिक को स्नान के लिए आमंत्रित किया जाएगा और आरती के बाद तक सभी स्नान करेंगे। तीसरा शाही स्नान में आप सबका अभिनंदन है, अभिवादन है। आप सब आइए, कुंभ का स्नान कीजिए, कुंभ का पुण्य अर्जित कीजिए। तीसरा शाही स्नान भी पूर्व की भांति जो सोमते मावस और शिवरात्रि पर हुए हैं उसी भांति पूर्ण दिव्यता और भव्यता से मनाया जाएगा। और आप सबकी मंगल कामना, कोशिश कीजिए, कामना कीजिए, स्नान करने जरूर आइए और माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए कि हमें शीघ्र इस कोरोना मुक्ति से भी रूपी दैत्य से भी मुक्ति मिले और पूर्ण विश्व शांति और दिव्यता के साथ आनंद से रहे। जय गंगा माई। तो अब आप देख सकते हैं निरंजनी अखाड़ा धीरे धीरे पुल के रास्ते से हर की पौड़ी में प्रवेश कर रहा है।